कैसे हो बच्चों? ठीक हो? आज अगेन मैं आपका फेवरेट प्रोफेसर प्रोफेसर प्रीति शुभोते आपके लिए एक और टॉपिक लेके आया हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम में से, जो आपको हेल्प करेगा नेट सेट गेट एग्जामिनेशन फेस करने के लिए। और जो टॉपिक आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस नेट एग्जाम में, गेट एग्जाम में और सेट एग्जाम में मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में पूछे जाते हैं, एज वेल एज बहुत ज़्यादा टाइप के न्यूमेरिकल इस टॉपिक के रिलेटेड एसोसिएटेड है। तो अगर आप देखोगे तो शेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट इज डबल देन दैट ऑफ एनी अदर यूनिट विथ रिस्पेक्ट टू मार्क। सो लेट्स सी एंड डिस्कस दिस पर्टिकुलर यूनिट इन डिटेल। सो टुडे इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू विद अ सिंपल थेरोटिकल डिटेल। सिर्फ थेरी के बारे में बात करेंगे, प्रैक्टिकल के और न्यूमेरिकल के बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। तो इस वीडियो का हमारा टॉपिक है व्हाई टू परफॉर्म मेमोरी मैनेजमेंट। क्यों? व्हाई इट इज इसेंशियल टू परफॉर्म मेमोरी मैनेजमेंट? सी, प्रॉब्लम यह है कि अगर आप किसी को भी पूछोगे तो उसको मेमोरी में क्या चाहिए, ही वॉन्ट अ मेमोरी टू बी एज यूज एज पॉसिबल। जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा मेमोरी होनी चाहिए। वी वॉन्ट अ मेमोरी टू बी एज फास्ट एज पॉसिबल। वो इतनी क्विक होनी चाहिए कि जैसे मैंने रिक्वेस्ट सबमिट किया रीड या राइट का तो इमीडिएटली वो ऑपरेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। वी वॉन्ट अ मेमोरी टू बी एज चीप एज पॉसिबल, मीन्स हम इतनी सस्ती मेमोरी चाहते जितनी ज़्यादा सस्ती हो सके, एज वेल एज वी वॉन्ट अ मेमोरी टू बी वी कैन से रिटेन अ डेटा। रिटेन मीन्स वॉट? मेमोरी मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक उस डेटा को रिटेन करना चाहिए। गजनी जैसा नहीं होना चाहिए कि आज लिख दिया दो दिन के बाद खत्म, जैसे कि इट हैपन्स विद द टाइप ऑफ मेमोरी नोन एज अ रैम। रैम एक ऐसी मेमोरी जो बहुत फास्ट है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, बट उसका प्रॉब्लम है कि वो मेमोरी वोलेटाइल है, तो थोड़ी देर के बाद ये मेमोरी सारी चीज़ें भूल जाती। तो हम नहीं चाहते कि हमारी मेमोरी कुछ भी भूले। तो अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर सिनारियो में तो हमें इस तरीके का चीज़ चाहिए कि ये सारी चीज़ें हमें एक मेमोरी में चाहिए, बट प्रैक्टिकली हैविंग ऑल दिस थिंग इन अ वन सिंगल मेमोरी इज हाईली इम्पॉसिबल। एक मेमोरी में सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लगभग नामुमकिन है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट नाम का कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। तो मेमोरी मैनेजमेंट कंसेप्ट में क्या किया जाता है, मेमोरी मैनेजमेंट कंसेप्ट में इस तरीके का पिरामिडल स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है, जिसमें इस पिरामिड के जो ऊपर है वो सारी फास्ट एज पॉसिबल मेमोरी, और जैसे जैसे आप बॉटम की तरफ जाओगे तो ये चीपर, लार्जर और वी कैन से कैपेसिटी में ज़्यादा, एज वेल एज रिटेंशन में ज़्यादा देर तक डेटा रिटेन करने वाली मेमोरीज आपको मिलेंगी। तो जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में जाओगे आपको चीपर मेमोरी मिलेगी, कैपेसिटी में हायर मेमोरी मिलेगी, और जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक डेटा को रिटेन कर पाएंगे ऐसी ऐसी मेमोरीज मिलेगी। पर जैसे आप उल्टा ट्रैवल करोगे तो आपको फास्टर मेमोरी मिलेगी। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस पिरामिड के टॉप में है रजिस्टर्स, फिर आती है मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी को हम किसी और नाम से जानते हैं, रैम नाम से। तो रैम और मेन मेमोरी एक ही चीज़ के दो अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे रैम मेमोरी है, देन हियर कम्स हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव को हम सेकेंडरी मेमोरी नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पे है हमारे बैकअप टेप्स जिनको हम डिजिटल टेप्स नाम से जानते हैं। तो वो हो सकते हैं, यहाँ पे हमारी सीडी, डीवीडी या अदर टाइप के पेन ड्राइव्स, उस टाइप की मेमोरी हो सकती है, करेक्ट है। तो वी कॉन कॉल इट एज अ एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल डिटैचेबल मेमोरी। तो इस तरीके का पिरामिड फॉर्म होता है आपके मेमोरी मैनेजमेंट में। तो होता ये है कि हमारे पास एक मेमोरी जो सारे प्रॉपर्टीज को शो कर पाए ऐसे है नहीं, तो हमने एक ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा सूप, ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जिसमें कुछ मेमोरी जो फास्ट है, कुछ मेमोरी जो यूज है, कुछ मेमोरी जो चीप है, और कुछ मेमोरी जो ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूरेशन तक डेटा को रिटेन कर पाएंगी। तो इस तरीके से हमने मेमोरी मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें हमें अचीव करनी। तो पर ये करना ईजी नहीं है, तो इसके लिए जो हमने कॉम्बिनेशन किया उसी कॉम्बिनेशन का नाम मेमोरी मैनेजमेंट है। बट हियर कम्स एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज इट रियली इसेंशियल टू स्टडी मेमोरी मैनेजमेंट इन डिटेल? So answer the question is, अगर आप आज देखोगे today, it's definitely answer the question is yes, today you need to study this particular topic, क्योंकि ये exam point of view very important है। But soon in future, definitely ये topic आपके syllabus से निकल दिया जाएगा। सुन इन फ्यूचर मे बी आई मेक विद इन नेक्स्ट 5 ईयर और 6 ईयर ये टॉपिक आपके डेफिनेशन से निकल जाएगा। वाई? क्योंकि नाउ अडेज देर आर सम टाइप ऑफ मेमोरीज लाइक फ्लैश मेमोरी, और नाउ अडेज वी आर कमिंग अप विद अ मेमोरी नोन एज अ सॉलिड स्टेट मेमोरीज। सॉलिड स्टेट मेमोरीज जो कि पेन ड्राइव जैसे होती, जिनमें फ्लैश मेमोरीज यूज की जाती, ऐसी कुछ होती जो आपके मोबाइल फोन में नाउ अडेज यूज की जाती। आपके मोबाइल फोन में ना तो कोई हार्ड डिस्क ड्राइव है, आपके मोबाइल फोन में ना तो कोई टेप है, या ना तो कोई एक्सटर्नल मेमोरी अटैच्ड है। तो वहाँ पे जो टाइप की मेमोरी है वो सॉलिड स्टेट मेमोरी के कैटेगरी में आती। तो वो मेमोरी की ऐसी मेमोरी है जिसमें वो खुद यूज भी है, फास्टर भी है, और वो रिटेन भी कर सकती डेटा को ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए। पर राइट नाउ थोड़ी सी चीपर है, पर सुन इनफ वो काफ़ी सस्ती हो जाएगी, और जैसे ही वो सस्ती हो जाएगी आपके सारे डिवाइसेस में उसी मेमोरी को यूज़ किया जाएगा। सुन इनफ इन फ्यूचर हार्ड डिस्क ड्राइव डेफिनेटली आपके पूरे सिस्टम से हार्ड डिस्क ड्राइव निकल जाएंगी।
तो अगर ऐसी मेमोरी अगर हमें मिल जाए जिसमें ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो डेफिनेटली इन फ्यूचर वहाँ पे मल्टीपल मेमोरीज होने का कोई रीज़न ही नहीं है, पिरामिड बाय फॉर्म करने का कोई रीज़न नहीं, तो वहाँ पे फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ एक ही मेमोरी होगी और वही मेमोरी सारी चीज़ करेगी। इसीलिए फ्यूचर में ना तो कोई मेमोरी मैनेजमेंट होगा, ना तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होगा, ना ही पेजिंग होगा, ना ही सेगमेंटेशन होगा, और ना ही कोई वर्चुअल मेमोरी नाम की कंसेप्ट होगी, और ना ही कोई फिजिकल मेमोरी नाम की कंसेप्ट होगी, क्योंकि जो मेमोरी होगी वो सारी की सारी मेमोरी फिजिकल होगी। तो तब तक के लिए हमें ये टॉपिक को डेफिनेटली स्टडी करना होगा, बट टिल देन प्लीज स्टे कनेक्टेड। हम अगले लेक्चर में आपको आपके लिए लेके आने वाला हूँ कुछ न्यूमेरिकल मेमोरी मैनेजमेंट के रिलेटेड, ठीक है? सो प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड एन्जॉय आवर सेशन। थैंक यू गाइस, सी यू सून।